अहम खबर देंगे आपको। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। अपडेट करें आपको, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। इसी पर बात करेंगे, नुमाइंदा खालिद महमूद ने हमें ज्वाइन किया है। खालिद, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में इस वक्त नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास जो है वो जारी है, और इस इजलास में आर्मी चीफ सैयद आसिम मनीर, DGISI और गवर्नर्स और वज़रा आला भी इजलास में शरीक हैं, जबकि वफाकी वज़रा भी आज के इजलास में शरीक हैं। इससे कबल जो है वो आर्मी चीफ के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्की सलामती के हवाले से बातचीत की गई है। खासकर जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन है उसके बारे में तबादला ख्याल किया गया है। जिसके बाद जो एपेक्स कमेटी KPK थी और पंजाब की थी, उनकी जो रिपोर्ट्स थी वो नेशनल एपेक्स कमेटी में पेश की गई हैं, और अब तक जो पेशरफ्त हुई है इन इकदाम के हवाले से कि दहशतगर्दी के रोकथाम के हवाले से जो असूल बनाए गए हैं, जो इकदाम किए गए हैं, वो शुरका को आगाह किए गए हैं। अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म जो है वो एपेक्स कमेटी के जो फैसले हुए हैं उसके बारे में आगाह करेंगे, और वो मीडिया पर अपनी तकरीर भी इस मौका पर करेंगे। लेकिन ये तमाम जो मुलाकातें हैं ये उसी एपेक्स कमेटी का हिस्सा थी कि वज़ीर आज़म से पहले आर्मी चीफ ने, DGISI ने और जो लोग खासकर जो वज़रा आला इस इजलास में शिरकत के लिए आए थे उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, जिसके बाद ये एपेक्स कमेटी का इजलास शुरू हुआ। जी, मुलाकात एपेक्स कमेटी का हिस्सा है। खालिद महमूद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।